लो दोस्तों, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। दोस्तों एक मेगा बजट में बनी हुई फिल्म है, इसको 410 करोड़ रुपए तक का बजट बताया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। आइए आज आपको बताते हैं इसका बॉक्स ऑफिस पर क्या रहा, पहले दिन क्या कमाई रही। बड़ी अच्छी बात कही। केवल हिंदी बेल्ट में ही नहीं, फिल्म ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तेलुगु जैसे राज्यों में भी नए रिकॉर्ड को कायम किया है। जी हाँ, शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान एसएस राजामौली और जूनियर एनटीआर की मौजूदगी ने ब्रह्मास्त्र की नैया को पार लगा दिया। ऐसा इसलिए फिल्म के आते ही साथ ही बॉलीवुड परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म धूम 3 का 9 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। आयान मुखर्जी की फिल्म के तेलुगु संस्करण ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसी तेलुगु भाषाई राज्यों में ताबड़तोड़ कमाई की है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। वहीं आमिर खान की फिल्म ने धूम 3 की बात करें तो इस फिल्म ने तेलुगु राज्यों में करीबन 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं कुल कलेक्शन की बात करें तो रणबीर और आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने पहले दिन 36 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। ये तो कलेक्शन की इस साल रिलीज होने वाली सभी फिल्म के ओपनिंग डे का कलेक्शन सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के मुकाबले काफी कम है। यह धूम 3 के एग्जांपल की बात करें तो आमिर खान की फिल्म ने पहले दिन 36.22 करोड़ रुपए का कमाई किया था, यानी ओपनिंग डे के मामले में रणबीर कपूर आमिर खान को नहीं पछाड़ पाए। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन के मुकाबले अगले नेक्स्ट डे पर कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कोई शिकायत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वरना दोस्तों मैं अगले न्यू वीडियो में नए रिव्यू के साथ आपके सामने मिलने वाला हूं। तब तक थोड़ा वेट कीजिए, तब तक के लिए अमेजिंग।